मौज के मीन्स तो आपने अपने बैंक में विड्रॉल कर दिए बट उसके बाद भी आपको मीन्स नहीं मिले हैं, तो पक्का आपने ये गलती किया होगा। हेलो नमस्कार, मैं हूँ विजय एंड आप देख रहे हो विजय ठाकुर टैग। तो गाइज आज का वीडियो सच में बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि इंस्टाग्राम से लेकर के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे। वो ये कह रहे थे ना कि भाई जब हम अपने मॉल्स के वॉलेट सेक्शन में जाके हम अपने मीन्स को अगर बैंक अकाउंट पर विड्रॉल करते हैं ना तो वो नहीं आते, मतलब फंस जाते हैं। तो हो सकता है कि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो ऐसा होता होगा, बट एक दो नहीं बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो गाइज मैंने भी इस चीज़ को फोकस किया है एंड देखा है कि इस सच में ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से मौज ऐप के पैसे को मतलब मीन्स को अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल करते हैं। सो गाइज वन मोर थिंग्स कि आज से हमारा वीडियो कुछ ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज से हर एक एपिसोड मतलब जितनी भी मैं वीडियो बनाऊंगा ना उन सारे वीडियो में मैं आपके प्रोफाइल का आपके चैनल का प्रमोशन करूंगा। ओके तो आज जो इनका प्रमोशन कर रहा हूँ उनका नाम है रोहित एंड ये रहा उनका यूट्यूब का प्रोफाइल। तो आप लोगों से गुजारिश है प्लीज़ इन्हें सपोर्ट करना, बहुत अच्छे कंटेंट बनाते हैं, कॉमेडी कंटेंट बनाते हैं, मज़ा आ जाता है। बाकी लिंक मेरे बायो में मिल जाएगा। ओके सो अगर आप भी चाहते हो कि हमारे प्रोफाइल को या यूट्यूब प्रमोट करूँ तो गाइज एक सीक्रेट कोड हमारे वीडियो के बीच में कहीं लिखा हुआ है, बाकी आप कमेंट सेक्शन में भी अपने चैनल या फिर यूट्यूब का नाम लिख सकते हो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके भी चैनल को प्रमोट कर दूंगा। ओके तो गाइज हम ले चलते हैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे एंड यहाँ पे मैं पूरी प्रोसेस बताता हूँ कि किस प्रकार से आप मिन्स को विड्रॉल करोगे कि पैसे डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में जाएंगे। आई नो वेरी वेल कि आप लोगों ने जो भी बैंक डिटेल्स है वो फिल कर लिया होगा, अगर नहीं किया होगा तो प्राइवेट बटन पे क्लिक कर लो, देन आप ये देख पाओगे किस प्रकार से मौज ऐप पे KYC वगैरह करते हैं। ओके सो बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको ले चलते सीधे अपने मोबाइल स्क्रीन पे, लेट्स गो। अपने मौज ऐप पे चले जाते हैं एंड देख पा रहे हो कि ये मौज अभी ओपन हो रहा है, ठीक है, एंड ये हमारा प्रोफाइल है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने मुझे मौज पे फॉलो नहीं किया ना गाइज प्लीज़ मौज पे फॉलो कर लेना, ठीक है। एंट्री लाइन पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद गाइज आपको पैसे विड्रॉल करना है ना, इसके लिए आपको वॉलेट सेक्शन में जाना होगा, ठीक है। तो हम वॉलेट सेक्शन में जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा टाइम मिलेगा, ठीक है। एंड आप यहाँ देख सकते हो कि मेरे पास रुपीज़ में 12,507 रुपये हैं, ठीक है। तो हम अभी चाहते हैं ना इसे विड्रॉल करना, तो विड्रॉल करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे रिडीम दिख रहा है ना, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे कूलिंग फ्रीज हो तो गाइज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कभी भी आप क्या करना कि एक ही बार में क्या है ना कि पूरा का पूरा अमाउंट को विड्रॉल नहीं कर लेना, क्योंकि हो सकता है फंस जाएगा, तो फंसने के बाद हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जाएगा, हो सकता है ना ऐसा मे बी, ठीक है। तो मैं यहाँ से 12,000 मीन्स को क्या कर लेता हूँ, विड्रॉल कर लेता हूँ, तो रुपीज़ हो गए 6,000, ठीक है। तो मेरे अकाउंट में अभी 5400 जो होंगे सो रिफ्लेक्ट होंगे, तो हम यहाँ पे सिंपली रिडीम पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और रिडीम पे क्लिक करने के बाद ये मेरा इन्फॉर्मेशन हो गया कि ऑर्डर ब्रेकडाउन 5,595, ब्रांड पे आउट वगैरह जो कुछ भी है वो इस प्रकार से यहाँ पे टोटल शो हो रहा है, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कंटिन्यू पर भी क्लिक करूँगा, आपको पता है ना कि TDS वगैरह कट के जो पैसे कटते हैं ना उसके वो भी चार्जेस यहाँ पे कट चुके हैं। IN कैश आउट हो गए, पेमेंट इनिशिएट हो चुका है मेरे अकाउंट में, ठीक है। एंड ये 72 आवर्स के अंतर्गत क्या होगा कि ये वहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर नज़र आएगा, ठीक है। अब पीछे मैं हो जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं अभी दिखा देता हूँ कि मेरे पास अभी कितने मीन्स बाकी हैं, तो 6,560 मीन्स अभी और मेरे पास बाकी हैं क्योंकि इसके जो भी रेस्ट थे मैंने वो ले लिए हैं। तो देखते हैं कि कितने देर के बाद आता है, तो फिर नेक्स्ट अपडेट में आपको इसी वीडियो में दे देता हूँ, वेट।